was her and tomorrow it could be anybody else. Every day is a struggle for me. If I'm able to just get home, not worried, is possibly the biggest struggle. And that's the only thing, that's the only time when my parents come to pick me up from work, or when a colleague is dropping me, or when someone I really know is picking me up from work. Women live in constant fear? Yes, we do. And after the 2018 statistics on which country is the most dangerous for women, India was in the first rank. जिंदगी भर आंखों का तारा रही बेटी को इस तरह खो देने से माँ बाप टूट चुके हैं। मेरे को कंगाल हो गई जब मेरे लड़की गई। वो भी खुश रहती थी, मम्मी मम्मी आके पीछे घूमते रहते थे। अब पता नहीं कैसे रह रही मेरे बिना। तो कभी क्या मुझे भी ले जाती तो बस तसल्ली हो जाती मुझे। रीति की जंजीरें खा गई जंग, न्याय के मंदिर भी हो गए भंग। जमाना चले ना चले मेरे संग, बोलूंगी हल्ला आवाज दबंग। The men who gang-raped and brutally assaulted the young woman India came to know as Nirbhaya will be executed. A death warrant has been issued. The killers of Nirbhaya will be hanged on the 22nd of January at 7 a.m. And we are now getting information that the four accused in the Telangana rape case of a vet have been killed in an encounter. पर मरहम उमंग, लाश नहीं हूँ मन जिंदा पतंग। दिल में उम्मीदें और खुशियों के रंग, हर आंसू बनेगा एक नई तरंग। क्या जानते क्या है आप एक औरत होने के बारे में? हर कदम पे ऐसे सवाल पड़ते हैं जो एक आदमी कभी सोच भी नहीं सकता। पल्लू ज्यादा नीचे तो नहीं आ गया? लोग कैरेक्टर पे सवाल करेंगे। ज्यादा हंस तो नहीं रही? लोग गलत मतलब निकाल लेंगे। ऑफिस में काम कम तो नहीं कर रही? लोग औरतों की बस की बात नहीं है ये कह के प्रमोशन रुकवा देंगे। काम से घर जाके सबके लिए खाना बनाना पड़ेगा, क्योंकि भले घर में काम दोनों करें, खाना तो सिर्फ औरत ही बनाएगी। आदमी रात भर काम करे तो घर वाले कहते हैं हाय कितना काम करना पड़ता है बेचारे को। औरत रात भर काम करे, ऐसा कौन सा काम आ गया जो रात भर करना पड़ता है? इसके अलावा हमें रोज ऐसी चीजों के बारे में सोचना पड़ता है जो सिर्फ और सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। ब्रा का स्ट्रैप तो नहीं दिख रहा? वो जो तब से घूर रहा है कुछ उल्टा सीधा तो नहीं करेगा? सर भीड़ में कोई भी मर्द हमें जब चाहे जहां चाहे छू सकता है, क्योंकि जब औरत पब्लिक प्लेस में होती है तो वो पब्लिक प्रॉपर्टी बन जाती है। बसेस में औरतों की सीट्स रिजर्व्ड है, इससे मर्दों को तकलीफ है। कहते हैं बराबरी भी चाहिए और रिजर्वेशन भी। अरे जब हर महीने आपके बदन से पानी की तरह खून बहेगा, सर फटेगा और पैर फूल जाएंगे ना, तब सर तब हम औरत मर्द की बराबरी की बात करेंगे। इसलिए कृपा करके औरतों को क्या करना चाहिए और क्या नहीं, इस पे अपनी एनर्जी बर्बाद ना करके औरतें क्या चाहती है उन्हें वो करने का मौका तो मिलता रहे, इसके बारे में हमें सोचना चाहिए। बराबरी तो बहुत दूर की बात है सर, फिलहाल हिस्सेदारी मिल जाए ना वो ही बहुत है। गलियां हैं
सांसें बुलंद लड़ने चली हूँ आजादी की जंग।